सो किंगडम प्रोटिस्टा से साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम उसके बचे हुए दो डिविजन्स को पढ़ेंगे और किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे कवर करेंगे। सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारे पास बचा था वो था स्लाइम मोल्ड्स और स्लिम मोल्ड्स, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन है मतलब खाना खुद नहीं बनाएंगे, बाहर से लेंगे। एक और चीज़ इनमें है कि किस तरीके से ये खाना देंगे, तो ये है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का मतलब है, या सेप्रोफिटिक पैरासाइट इनको कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भी है। सो हम अब किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करके उसके बच्चों में दो ग्रुप्स को पढ़ेंगे शॉर्ट में, ओके। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उसको अभी ख़त्म कर देंगे। सो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है स्लाइम मोल्ड्स। इससे पहले कि हम तीन ग्रुप्स कर चुके हैं, राइट, टोटल फाइव थे। तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ये हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये बाहर से खाना लेते हैं। जब क्वेश्चन आता है कि बाहर से खाना कैसे लेते हैं, तो ये बाहर से खाना कैसे लेंगे, दे आर सेप्रोफिटिंग इन नेचर। सेप्रोफिटिंग इन नेचर का मतलब होता है जो खाने को इन द फॉर्म ऑफ सैप अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन इज सेप्रोफिटिंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मोस्टली डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर अपनी सॉल्यूशंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपनी सॉल्यूशन को सिक्रीट करते हैं, खाने को बाहर ही पचाते हैं और फिर उसको पी जाते हैं एक तरह से, तो उनको कहते हैं सेप्रोफिटिंग। तो स्लाइम मोल्ड्स यही शो करेंगे। अब आता है कि ये ग्रो कैसे करते हैं। देखो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं ना, यूकैरियोटिक सेल ही तो है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है। तो ये एक स्लाइम मोल्ड है, ये इसकी यूनिसेलुलर बॉडी है, इसके आसपास इसकी सेल वॉल भी होगी, ठीक है। अब ये जाके इसके ऊपर बैठा है, ये है ब्रेड का एक पीस जो आप अपने घर में खाते हो, तो ब्रेड के पीस के ऊपर जाके ये लग गया। ये इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो मान ली ब्रेड का पीस पड़ा था और उसके ऊपर जाके ये लग गया। ब्रेड इज अ सोर्स ऑफ फूड ना, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, ये इसको खा सकता है। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। तो देखो सेल तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर ये जो डॉट है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यू कैन सी कि न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा है, माइटोसिस हुई है, लेकिन सेल का नंबर नहीं बढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक ही सेल है उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। तो न्यूक्लियर डिवीजन जब बहुत सारी होगी और सेल का साइज ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियस है बहुत सारे प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो सेल के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे सेल का साइज बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो इस ब्रेड पे जो छोटी सी जगह पे लगा था अब वो पूरे ब्रेड को कवर कर सकता है। तो इस तरीके से एक प्रोटिस्ट ग्रो करता है, और ऐसी ग्रोथ जिसमें सेल की डिवीजन नहीं हो रही है, सिर्फ उसके अंदर के न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसको हम कहते हैं सीरोसिटिक कंडीशन। अगर ऐसा होता कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एक साथ मिलके एक सेल बना रहे हैं, देखो देखने में तो ये और ये सेम ही है ना, लेकिन फ़र्क क्या है कि डिफरेंट सेल्स जब मिलके एक सेल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंसीशियम कंडीशन। लेकिन जब एक ही सेल के अंदर बहुत न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए और ऐसा स्ट्रक्चर बने तो उसको कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। तो प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स के अंदर सीनोसिटिक कंडीशन देखी गई है उनकी ग्रोथ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर बाद में बना ना, इसका एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, तो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये प्रोटिस्टा वाला प्लाज्मोडियम है जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। तो ब्रेड के ऊपर जो आप स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, जब ब्रेड खराब हो रही होती है वो प्लाज्मोडियम्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर सेल वॉल है या नहीं, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल होती है लेकिन प्लाज्मोडियम स्टेज पे सेल वॉल नहीं होती है। तो ये चीज़ को याद रखना है, यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसी के साथ स्लाइम मोल्ड्स खत्म। एग्जाम्पल एक बार कॉपी में अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, दैट वुड बी। सो लास्ट पॉइंट कि स्पोरुलेशन भी देखी गई है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, ठीक है। तो स्पोरुलेशन में एक फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है स्लाइम मोल्ड की, देख लो ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी है, उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे स्वेलन से होते हैं, और इनके अंदर सेल्स तो पड़े ही हैं क्योंकि सेल्स से तो बन रहे हैं ना। तो इनके अंदर जो ये छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं फूडिंग बॉडीज। ये जनरली अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं, फूडिंग बॉडीज बनती है, और इनके अंदर के जो सेल है उनमें मियोसिस हो जाती है, मतलब रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी वर्ड आएगा मियोसिस, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल का नंबर है 2n है, वो हमेशा हाफ हो जाएगा। और जहाँ पर भी वर्ड आएगा माइटोसिस, तो जेनेटिक मटीरियल का नंबर जितना था उतना ही रहेगा,
बस इस चीज़ को याद रख लेना, जब सेल पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे। सो फ्रूटिंग बॉडीज बनी, उनके अंदर जो सेल थे वो मियोसिस में गए यानी रिडक्शन डिवीजन हुई, फिर स्पोर बने जिनका नंबर एन है, और इनके पास सेल वॉल होती है। तो अगर कोई पूछ ले प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड के पास जो स्पोर्स है उनके पास सेल वॉल है या नहीं, तो है। प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल है या नहीं, नहीं है। तो ये जाके फिर किसी भी स्ट्रक्चर में गिरेंगे, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत स्पोर्स होते हैं, जहाँ पे ये गिरेंगे वहाँ ये जर्मिनेट हो जाएंगे और पूरी प्लांट की बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, द नॉट लीस्ट, प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के आगे फोर डिविजन है, ऐसे ही इसे लिख लो, ऐसे ही बना लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाम, उनके एग्जाम्पल, ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए ये ऐसे फ्लोचार्ट बहुत अच्छे होते हैं, छोटे छोटे फ्लोचार्ट बना के अपने, इवन जितने भी तुम फाइलम करोगे, किंगडम्स करोगे, उसमें जब भी तुम्हें आगे डिवीजन मिलेगी ना, हमेशा छोटे फ्लोचार्ट बना के रख लो, रिवाइज करने में भी बहुत आसान होता है। एंड डू रिमेंबर कि अगर किसी भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ कोई एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। प्रोटोजोन्स में सबसे पहले जो डिवीजन है वो है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, वो वाले प्रोटोजोन जो एमीबॉइड होते हैं। अमीबा क्या होता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो ए से एमीबॉइड और इसका एग्जांपल है ए से अमीबा। ठीक है, सेकंड वाली कैटेगरी है प्रोटोजोन्स के अंदर, कौन से प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के अंदर एक और कैटेगरी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो है ट्रिपैनोसोमा। इसको तुम कैसे याद करोगे, स्लीपिंग, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड क्यों है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे भी कुछ इस तरीके से होता है, और इनके ऊपर एक फ्लैजिला होता है, पहले बॉडी से अटैच होता है फिर फ्री होता है। ठीक है, तो ये फ्लैजिलेटेड है, चाहे छोटा सा डायग्राम बना लेना। दिस इज सिलिएटेड, सिलिएटेड वो जिनकी बॉडी में छोटे 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 सिलिया लगे हुए हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। तो ऐसी सी बॉडी है जिसके ऊपर छोटे 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 सिलिया लगे हैं, नीचे छोटा सा डायग्राम बना लो, याद रह जाएगा। लास्ट है स्पोरोजोन्स, जिसके अंदर है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, पहले वाले प्लाज्मोडियम नहीं है, ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है, तो यहाँ तो मलेरिया लिख सकते हो, मलेरिया से याद रह जाएगा। तो ऐसे जिस भी तरीके से याद रह जाए उस तरीके से बना लो। चलो इनको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हम कर रहे थे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के अंदर ये एक चार्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा। ओके, ब्रीफली इस चार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर जोन से पॉइंट थोड़े डिस्कशन ज़्यादा डिमांड करते हैं उस वाले पॉइंट को इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला था अमीबॉइड टाइप के प्रोटोजोन्स, तो उनका हैबिटेट कैसा होता है, वो मोस्टली हर जगह है, फ्रेश वाटर, मेरेन वाटर, हर जगह तुम्हें मिलते हैं, और वो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, उनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करेगा। लोकोमोशन का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल जब मूव करे तो अपना प्लेस चेंज करे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाए फिर वापस आ जाए, लेकिन प्लेस तो चेंज हुआ ना, तो ये लोकोमोशन होता है, राइट, मूवमेंट होता है अपनी जगह पे खड़े खड़े रहकर बॉडी के पार्ट्स को हिला पाना। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है सूडोपोडिया। फीचर इनका एक स्पेशल ये है कि किसी किसी में सिलिका शेल प्रेजेंट होता है बॉडी के बाहर, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। सो अमीबा कैसे होते हैं, अमीबा छोटे से किसी भी स्ट्रक्चर के दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब भी ये किसी खाने को देखते हैं ना मोस्टली, या फिर इनको मूव करना होता है क्योंकि पानी में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाइवर्स एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से हाथों जैसे एक्सटेंशन को फैला लेते हैं। इन एक्सटेंशंस को कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, सूडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब हाथ, हाथ पैर, तो झूठे हाथ पैर बनाने वाले को कहते हैं सूडोपोडिया। तो ये था अमीबा के अंदर। डन, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन नाम से पता चला फ्लैजिला हो गया इनके अंदर, तो ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मैंने इसका एग्जांपल बताया था ना कि इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा, इफ यू रिमेंबर पिछले वाली बॉडी पे एक फ्लैजिला होता है जो पहले तो बॉडी से अटैच होता है और एंड में जाके वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैजिला है इनके पास, मदद क्या करता है, मूवमेंट में। इनका स्पेशल फीचर है कि रेयर टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, आगे बात करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब है ये ब्रेन में चला जाता है इंडिविजुअल की, होस्ट के, ह्यूमन बींग के, और उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स करता है कि सोने में बहुत दिक्कत होती है, इंसोम्निया हो जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस का ये मतलब है। तीसरा है सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं जिसको कहते हैं सिलिया। हैबिटेट क्या है इनका, फ्रेश वाटर भी है, मराइन भी, और ये पैरासिटिक भी है। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया प्रेजेंट है, तो मूवमेंट में मदद करते हैं। और इनके पास स्पेशल बात क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ से खाना अंदर आता है, उसको कहते हैं गलेट।
तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में अब मैं डायग्राम बनाऊंगी, जहाँ पर एक स्पेस होती है जहाँ से खाना अंदर आता है और कहीं से नहीं आता। स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं गलेट, जो इसमें प्रेजेंट होता है सीएटी में। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में डायग्राम है तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेबर होने के लिए आ सकता है। लास्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन से वर्ड से तुम्हें दिख रहा है कि स्पोर बनते हैं। पैरासाइट्स वो जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं और उसका होस्ट जिंदा रहता है, जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर से खाना खाते हैं। तो या बाहर लगेंगे एक्टोपैरासाइट या बॉडी के अंदर रहेंगे एंडोपैरासाइट्स। तो ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इनमें कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, बॉडी के अंदर जहाँ आराम से ब्लड फ्लो के साथ इधर उधर घूम लेते हैं, कोई चक्कर नहीं, इनको लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं है। और इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनमें ज़रूर प्रेजेंट होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना स्पोरोजोन्स के, तो उनमें हमेशा उनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शन और वो डिजीज कॉजिंग स्टेज को हम कहते हैं कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज जरूर आएगी। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट का जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है ना, जो मस्कीटो फीमेल एनोफिलीज के काटने से हमारी बॉडी में आता है, वो बेसिकली प्लाज्मोडियम ही होता है। तो इसको भी याद कर लो, ये 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिटेल में आता है। तो ये चार्ट पूरा हो गया, अब मैं आपको गलेट बता दूँ। ये है डायग्राम पैरामीशियम का और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो देखो क्या याद रखना है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रहे हैं ये है सिलिया, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, इसे कहते हैं गलेट। खाना यहीं से अंदर आता है और बॉडी में कहीं से खाना अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ से ही फूड एंटर करेगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, यहाँ पे देखो स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम, मदद करता है ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस है, बड़े वाला मैक्रो मतलब बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस और छोटा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस। अब इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, बड़े वाला मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो मतलब बड़ा, छोटे वाला माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो मतलब छोटा न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट है। सो अगर मैं पूछूं कि दो न्यूक्लियस किस ऑर्गेनिज्म में तुम्हें दिखे थे, तुम्हें सिलिएटेड प्रोटोजोन में दिखे थे, उसके अंदर तुम्हें स्पोरोजोन्स में दिखे थे, उसके अंदर तुम्हें स्पोरोजोन में भी कहाँ दिखे थे तुम्हें, पैरामीशियम में ना। एग्जाम्पल अगर कोई पूछ ले पैरामीशियम में दिखे थे, उसके अंदर भी तुम्हें किस में मिले थे, किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन सा किंगडम है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के पास डबल न्यूक्लियस होता है, एक छोटे और एक बड़े साइज का, तो आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा कर सकते हो ना कि ये है दो न्यूक्लियस वाला पैरामीशियम होता है, राइट। ऐसा एक नीट में क्वेश्चन पहले आ चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा, अगला हम करेंगे फंजाई।